Hello friends, we all are worried about coronavirus disease or COVID-19. Don't you think you should know more about it to be safe? Let's understand about coronavirus prevention and treatment. COVID-19 is a viral disease. It is very similar to the common cold-causing viruses. And the difference here is that we have a variant of that which is highly contagious. And when we say contagious, then this means that this is a virus that can very easily spread व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। दिस कोरोना वायरस जो था ये चाइना के वुहान जगह थी, वहां पे ये वायरस सबसे पहले पाया गया। एंड ये अभी इन्होंने दे हैव डन द रिसर्च एंड दे फाउंड दैट कि ये प्रोबब्ली बैट से आया है। सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ बैट, क्राइसेंथेमम बैट इज देयर इन द वुहान एंड प्रोबब्ली द वायरस हैज कम फ्रॉम द बैट. And there is another intermediary host जो बता रहे हैं कि हो सकता है वो एक type का ant eater है, that is pangolin. So that is an intermediary host and from there the virus has spread to the humans. Okay. What is happening is that the virus is actually transmitted from human to human. Now there is no animal to human transmission. Okay. जो अभी जो पूरे world में जो virus फैल रहा है, it is because of human to human virus जी. contact and human to human transmission. COVID-19 इन्फेक्शन जो है एक नॉर्मली जैसे खांसी जुखाम होता है उसी तरह का इन्फेक्शन होता है शुरुआत में. और शुरुआत में पेशेंट को बुखार आ सकता है और उसको खांसी हो सकती है, नाक बह सकती है और गले में खराश और गले में दर्द हो सकता है. बाद में अगर जब इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है तो वो लंग्स और फेफड़ों को इन्वॉल्व कर लेता है. और जब वो लंग्स को इन्वॉल्व करता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खून की कई बार उल्टी आ सकती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. तो उससे पेशेंट का सांस लेने की इतनी दिक्कत बढ़ सकती है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है और बाद में कभी कभी वेंटिलेटर पे भी या कृत्रिम सांस भी देनी पड़ सकती है मरीज को. तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की इम्यूनिटी के ऊपर और पेशेंट को और कौन सी अगर साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा भयंकर रूप से प्रेजेंट कर सकती है. ओके. और कई बार इसमें किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और किडनी फेलियर भी लास्ट स्टेज में किडनी फेलियर भी होता है. नॉर्मली जो ये इन्फेक्शन है ये 5 से 6 दिनों के अंदर, नॉर्मली 3 से 4 दिन के अंदर ये ठीक हो जाता है. 80% लोगों के अंदर जो COVID-19 इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, वो अपने आप ही सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है या अपने आप ठीक हो जाता है. जो ये वायरस होता है इसका जब आपको इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स जो है लक्षण बीमारी के तुरंत नहीं आते. ये लक्षण आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं. नॉर्मली इस वायरस का इनक्यूबेशन पीरियड 1 दिन से 14 दिन तक हो सकता है. Okay. तो अगर पेशेंट को किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो जो उसके सिम्टम्स हैं वो आने में 1 से 14 दिन लग सकते हैं. नॉर्मली ये देखा गया है कि 3 से 4 दिन के अंदर पेशेंट को सिम्टम आ जाते हैं और वो सिम्टम्स बेसिकली नाक बहना और खांसी जुखाम ये सब होता है सिम्टम्स. इनिशियल सिम्टम्स ये होते हैं और लेटर ऑन वो फिर डिपेंडिंग ऑन इम्यूनिटी कैसी है पेशेंट की. अगर वो इम्यूनिटी यंग पेशेंट है और इम्यूनिटी अच्छी है तो वो 4 से 5 दिन के अंदर पेशेंट अपने आप ठीक भी हो जाता है. कुछ 12 से 14% केसेस के अंदर ये इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि फेफड़ों में भी जा सकता है और वो फेफड़े इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है. Okay. और 1 से 2% मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको कि वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है और ICU में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है और उनकी मौत भी हो सकती है. Okay. तो ये इन्फेक्शन उन लोगों में ज्यादा खतरनाक होता है जिनको पहले से बीमारियां हैं जैसे कि उनको हाइपरटेंशन है जी. या डायबिटीज की बीमारी है जी. या किडनी की बीमारी है या उनको कोई कैंसर का पहले से रोग है या इम्यूनिटी उनका काफी लो है या तो वो स्टेरॉइड्स थेरेपी पे हैं या वो लंबे समय से एंटी कैंसर ड्रग्स ले रहे हैं. तो ऐसे मरीजों में ये इन्फेक्शन का रूप ज्यादा भयंकर हो सकता है. ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी जैसे आदमी करता है तो उसमें छोटे छोटे
पार्टिकल्स जो है सीक्रीशंस, मुंह के सीक्रीशंस और नाक के सीक्रीशंस जो होते हैं वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में एनवायरमेंट में आ जाते हैं, और वो जब वो ड्रॉपलेट किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में या नाक या मुंह के अंदर लगता है तो उससे ये इन्फेक्शन फैलता है। जो वायरस है ये सरफेस के ऊपर, जैसे कि किसी ने किसी को इन्फेक्शन है और उसने अपने रुमाल से या अपने हाथों से किसी सरफेस को टच किया तो वो सरफेस पे वायरस कुछ दिन तक रह सकता है। ये वायरस 30 मिनट से लेके 2 दिन तक जिंदा रह सकता है किसी भी सरफेस पे। तो अगर उसी सरफेस को किसी और नॉर्मल आदमी ने, नॉर्मल व्यक्ति ने टच किया तो और वो हाथ को अपने मुंह या नाक और आंखों के पास ले गया तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। Ministry of Health and Family Welfare has come up with different kinds of posters or pamphlets to make people, general public, aware about this coronavirus, the COVID-19 especially, which includes how to wash your hands, how frequently you have to wash, how much distance you have to maintain with people, how to avoid crowd, how to avoid traveling at this time, when to avoid. You use, whenever you're coughing, you can use your tissues or handkerchief, or if you don't have any of those, you can use your elbow, you know, so that the droplets we have been talking about, the droplets do not fall out from your body, or it's not in the environment at least. So in case you find that you have fever, you have cough and all those, you have things like that, then what do? Then you have to visit your doctor, the physician, who will guide you how to go about. The clothes that one is wearing, and let's say the clothes, the street clothes, and one comes home. So, you know, one needs to follow simple prevention measures, not go around all over the house with the street clothes. Just put them into the laundry basket and just wash them with the ordinary water, okay, and dry it in the sun. मास्क और ग्लव्स सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको की इन्फेक्शन अगर हो गया है, ताकि वो किसी और को ना हो, और जो लोग उस पेशेंट की तीमारदारी कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, या डॉक्टर्स एंड नर्सेस जो हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं जिनके आसपास कोविड-19 के पेशेंट्स हैं। सोप एंड वाटर रियली वर्क्स बेटर। Okay. And in the absence of soap and water, you can use the sanitizer. So the easy way to remember it, the whole process, is Suman K. So what is Suman K? What is S is Sidha, right? Then U is Ulta, okay? Then M is Mutthi, okay? Then Angutha, okay? Then your nakhun, and K is your kalai, right? So these are the 6 steps, and the duration is also important. So one very easy way for children to remember the duration, they just sing happy birthday to you in their mind 2 times over. So that's about 20 seconds. You should let the sanitizer dry on your hand. After cleaning, after rubbing it all over the hand, let it dry, because the drying of the sanitizer itself has the antiviral and antibacterial action. जब भी कभी इन्फेक्शन होता है जी, तो हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है जी। हमारे पास कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है जो कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट एक्ट करती है, तो उसके लिए अभी तक हम जो करते हैं, हम सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जो सिम्टम, जैसे बुखार आ रहा है तो उसको हम एंटी पैरेटिक ट्रीटमेंट लाइक पैरास्टामोल और सब देते हैं, पेशेंट को रेस्ट देते हैं, और पेशेंट को हम IV फ्लूइड्स और प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड्स हम देते हैं। और अगर पेशेंट को लंग्स का इन्फेक्शन होता है तो हमें कई बार पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और वेंटिलेटर पे भी या ICU केयर की भी जरूरत होती है। Here I will suggest there are only 2 websites that anyone should refer to. These are from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and WHO India country. So friends, finally we understood what is coronavirus or COVID-19.
origin of COVID-19, symptoms of COVID-19, how it transmits, how long does COVID-19 virus stays on any surface, precautionary measures to deal with the infection, medication and treatment, use of sanitizer or soap, authentic source of information. Now, we all know the information to fight with COVID-19.